जिसे कोई नहीं कर पाया, जसप्रीत बुमराह ने वो कारनामा करके दिखाया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। जी हां, बिल्कुल, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरह से विकेट पर विकेट चटका रहे हैं, जिस तरह से मैदान पर अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखा रहे हैं, अब उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है और मोहम्मद जसप्रीत बुमराह खूब तारीफ बटोर रहे हैं। सेंचुरियन के मैदान पर जब केशव महाराज को बोल्ड मारा जसप्रीत बुमराह ने, इस विकेट के साथ ही एक बहुत बड़ा कीर्तिमान जसप्रीत बुमराह के नाम ऐड हो गया। वो खतरनाक, जितनी खतरनाक वो यॉर्कर थी, ऐसा ही एक विकेट उनके करियर में इस विकेट ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। दरअसल इस विकेट के साथ ही जसप्रीत बुमराह 100 टेस्ट मैच विकेट लेने वाले विदेशी पिच पर 100 टेस्ट मैच विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये कारनामा उन्होंने सबसे कम मैचों में किया था। और अगर मैं तेज गेंदबाजी की बात करूं तो विदेशों में 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज मैचों में 100 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। केवल 23 टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह ने यह कारनामा किया है। उनसे पहले 23 टेस्ट मैचों में 100 विकेट विदेशी धरती पर कोई गेंदबाज नहीं ले पाया है। यह कारनामा सबसे पहले चंद्रशेखर के नाम था, भारतीय गेंदबाज रहे हैं चंद्रशेखर, उन्होंने 25 मैचों में यह कारनामा किया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह केवल 23 टेस्ट मैचों में यह कारनामा कर चुके हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर के गेंदबाज की, तो उस पर नाम आता है अश्विन का। अश्विन ने 26 मैचों में यह कारनामा किया है। पहले नंबर पर हो गए हैं जसप्रीत बुमराह, वो 23 मैचों में यह कारनामा कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर हो गए हैं चंद्रशेखर, उन्होंने 25 मैचों में यह कारनामा किया है। तीसरे नंबर पर हो गए हैं अश्विन, उन्होंने 26 मैचों में यह कारनामा किया है। और चौथे नंबर पर बिशन सिंह बेदी, मोहम्मद शमी, वो 28 मैचों में ये कारनामा कर चुके हैं। तो जसप्रीत बुमराह की जिस तरह की फॉर्म है, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से अब विकेट चटका रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं टीम इंडिया की परेशानी कम की है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली की, क्योंकि विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह पिछले कुछ वक्त से अगर मैं बात करूं तो गेंदबाजी शानदार कर रहे थे, लेकिन विकेट नहीं चटका पा रहे थे, और मोहम्मद शमी लगातार विकेट लेते जा रहे थे। तो एक पार्टनर के तौर पर जरूरी था जसप्रीत बुमराह का भी फॉर्म में आना, विकेट चटकाना। और जो यॉर्कर, खतरनाक यॉर्कर की जिसकी हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, वो कुछ वक्त से गायब नज़र हो रही थी, वो टप्पे पर गेंद पड़ नहीं रही थी जसप्रीत बुमराह की। लेकिन अब सेंचुरियन के मैदान पर जिस तरह से उन्होंने केशव महाराज को बोल्ड मारा, वो खतरनाक यॉर्कर थी, एकदम सटीक यॉर्कर जिसे हम कह सकते हैं, जिसको लेकर जसप्रीत बुमराह जाने जाते हैं, जो जसप्रीत बुमराह की पहचान है, वो यॉर्कर हमें देखने को मिली सेंचुरियन के मैदान पर। और उम्मीद करेंगे अगर इसी तरह की लय में जसप्रीत बुमराह रहे, इसी तरह से गेंदबाजी करते रहे, इसी तरह से विकेट चटकाते रहे, तो दक्षिण अफ्रीका में जो टीम इंडिया है वो शानदार तरीके से इतिहास रचेगी। सेंचुरियन के मैदान पर जीत दर्ज करके टीम इंडिया ने एक इतिहास रच दिया है, और अगर टीम इंडिया यहाँ पर सीरीज जीत लेती है तो जाहिर तौर पर ये टीम इंडिया के लिहाज से, जसप्रीत बुमराह के लिहाज से, कप्तान विराट कोहली के लिहाज से बहुत शानदार दौरा होगा। तो जसप्रीत बुमराह की इस कामयाबी पर, इस उपलब्धि पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।